हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखो आप क्या पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्शन के बारे में आप पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप इसमें चार प्रकार के कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ोगे आप डिवाइड ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना आप सीखोगे। दूसरा आप सीखोगे टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। और थर्ड इन सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल, उसके बाद में सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रेंगल। ये चार प्रकार के क्वेश्चन आप सीखने वाले इस टॉपिक में, ठीक है ना, जिसमें मैंने जो शुरुआत वाला था डिवाइड ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये मैंने आपको पहले करवा दिया है, तो इसको तो आपको आ गया होगा सुनने। और आज हमारा पॉइंट रहेगा टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, हम टेंजेंट जो होते हैं सर्किल के वो कैसे होते हैं, किस तरह से आप उनको ड्रा करोगे, वो सारी बातें सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जान लेना यहाँ पर अति आवश्यक है कि सर्किल के टेंजेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सर्किल का टेंजेंट होता है वो सर्किल को केवल वन पॉइंट पर टच करके जाता है। मान लो मेरे पास ये सर्किल है, मैंने कोई ऐसी लाइन ली इस तरह से, ये लाइन बिल्कुल क्या करेगी, सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी, ध्यान रखना केवल एक ही पॉइंट पर। तो ये क्या कहलाएगा, इसका टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है ना। एक जो सर्किल होता है उसके आप कितने भी टेंजेंट खींच सकते हो, आप हजारों टेंजेंट इसके उसके हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी इसके आप चाहे जितने टेंजेंट ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, जब मैं आपको एक्सरसाइज 13 पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको कुछ थर्म पढ़ाऊंगा, उसी में एक आप थर्म ये पढ़ोगे कि जो टेंजेंट होता है, यानी जो टेंजेंट होता है वो आप जानते हैं कि सर्किल को एक पॉइंट पर टच करता है यहाँ पर। अब उस पॉइंट से जो रेडियस जाएगी, सेंटर को मिलाओगे आप, ये रेडियस होगी, वो टेंजेंट पर बिल्कुल क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये बात आपको फिलहाल ध्यान में रखनी है, थ्योरम है ये, मैं आपको जब 13 का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको ये प्रूव करवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है कि एक 2.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना। पहले आपको, तो पहले आपने क्या कर दिया, कंपास जो अपना उसमें आप पेंसिल डाल लो और उसको आप 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप ऐसे एक सर्किल को ड्रॉ कर लो पहले। यानी सबसे पहले आपको 2.8 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ करना है, कर दिया ना। अब देखो उसके बाद देखो क्या करना है, इसके आपको सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट पी लेना ही है, तो आपने सर्कमफेरेंस पर ये पॉइंट पी ले लिया कहीं पर भी, ठीक है ना। अब इस पी पॉइंट को पहले आप क्या करोगे, सेंटर से ज्वाइन कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इस पी पॉइंट से जो इसकी टेंजेंट है वो आपको ड्रॉ करना है। मैं एक बात देखो पहले आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि 9वीं क्लास में आपने सीखा है 90 डिग्री का एंगल बनाना, एक बार दोबारा देख लो, आपने को 9वीं क्लास में 90 डिग्री का एंगल बनाना ऐसे सीखा है। सबसे पहले आपने कोई लाइन सेगमेंट लिया, अब आप इस लाइन सेगमेंट में ए को पॉइंट मान के आप कोई भी ऐसे एक सेमी सर्किल बना लेंगे, उस सेमी सर्किल जितना अब आपको एक तो आर्क यहाँ से लगाना है, एक यहाँ से लगाना है, अब एक आर्क आपको यहाँ से लगाना है, एक आपको यहाँ से लगाना है, इनको आप ऐसे बुलाओगे तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा आपका, बिल्कुल 90 डिग्री का जो एंगल आपका है वो बनने वाला है। तो ये सब बातें तो आपने 9वीं क्लास में सीख रखी है। अब यहाँ पर भी आपने अभी सीख लिया कि जो टेंजेंट है वो रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पी को सेंटर मान करके इस पर एक 90 का हमें एंगल है वो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पी से कोई कंपास को कितना भी ओपन करके ऐसे आप एक सेमी सर्कल बना दोगे, और जितना ओपन कर रखा है उतना आपको ये तो यहाँ से आर्क लगाना है, एक यहाँ से आर्क लगाना है, दो आर्क लगा दिए। अब ये दोनों आर्क देखो भी ध्यान रखना हमेशा,
जितना अर्घ पहले ये होगा उतना ही ये होगा और उतना ही ये होगा, ये तीनों बिल्कुल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने हिसाब से आप फिर से कितना भी अर्घ खोल लो। अब एक तो अर्घ लगाना आपको यहाँ से, उतना आपको लगाना है यहाँ से, यानी ये अर्घ और ये दोनों बिल्कुल क्या आएंगे, आपके समान आएंगे। अब इससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करना, आपको इस पी से ज्वाइन करना है और आगे तक बढ़ा दो इसको भी एक बार आप। तो देखिए जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, एक टेंजेंट आ जाएगा और इसका नाम आप क्या मान सकते हो, आप इसका नाम ए मान सकते हो। यहाँ पर एंगल कितने का आपका, 90 का। तो इस तरह से आप कोई भी जो सर्किल है उसका एक टेंजेंट खींच सकते हो। अब लिखो आप इसका जो पॉइंट है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एडिंग लगा लो आप। तो इसमें पहला पॉइंट लगाओ क्या लिख रहा आपको, तो सबसे पहले लिखो टेकिंग ओवर सेंटर, टेकिंग ओवर सेंटर ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, टेकिंग ओवर सेंटर ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। अब आगे देखो पॉइंट नंबर सेकेंड, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐसे लिखना है। अब आप लिखोगे टेकिंग पीएच सेंटर, टेकिंग पीएच सेंटर जॉइन पी टू ओ और देखो इस जो दोनों और पॉइंट है उसमें आप थोड़ा सा ऐसे लिखो, पहले एक बार सुन लो। पहले आप लिखोगे टेकिंग ए पॉइंट ऑन ए सर्कमफ्रेंस पी, जो पॉइंट नंबर दो है उसको एक बार आप कैंसिल कर दो और जो मैं लिख रहा हूँ वो आप दोबारा से लिखो, ठीक है ना। पॉइंट नंबर दो लिखना है, देखो टेकिंग एनी पॉइंट पी ऑन सर्कमफ्रेंस, टेकिंग एनी पॉइंट पी ऑन सर्कमफ्रेंस एंड जॉइन पी टू ओ एंड ज्वाइन पी टू ओ, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट लिखो आप, और थर्ड पॉइंट लिखना है टेकिंग पी एच सेंटर, टेकिंग पी एच सेंटर ड्रा ए एंगल ए पी ओ इक्वल 90 डिग्री, टेकिंग पी एच सेंटर ड्रा ए एन एंगल ए पी ओ इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्रोड्यूस्ड ए पी एट बी, प्रोड्यूस्ड ए पी एट बी। अब लिखो अंतिम स्टेप, सो ए बी इज, सो ए बी इज रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल। तो ये आपने गिवन सर्किल का रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ उसकी कंस्ट्रक्शन आपने कर दी है। अब चलो आप आगे, चलो देखो मैं एक बात आपको बोल दूं, जैसे आपने अभी तीन का क्वेश्चन पढ़ा है ना, सेम टू सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आपके आपके पास, सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपको खुद करना है। देखो सिक्स नंबर में आपको 2.7 सेंटीमीटर रेडियस लेनी है और आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना, वो आपके लिए है। अब उसके बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर फोर, देखो फोर किन क्या पूछा है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का पहले आपको सर्किल ड्रॉ करना है और उसका जो डायमीटर है उसके दोनों सिरों पर आप क्या लेनी है, टेंजेंट वो लेने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लोगे, उसका सेंटर मान लेंगे आप बिल्कुल। सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है और उसका सेंटर क्या मान लेंगे आप, वो मान लेंगे। अब देखिए सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया है, अब इसका देखो डायमीटर के लिए आप पहले यहाँ पर को पॉइंट P मानेंगे और P पॉइंट को आपको क्या करना है, इस O से ज्वाइन करके आगे तक बढ़ा देना है। तो पी क्यू क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, ठीक है ना। तो पहले आपने क्या किया, इसका जो डायमीटर है वो आपने इस तरह से खींच दिया है। अब देखो जब आपने इसका डायमीटर ले लिया है पी क्यू,
अब डायमीटर लेने के बाद में आपको पता है कि पीओ और ओक्यू दोनों क्या है, रेडियस है, और आपको पीओ और क्यू पर क्या लेने हैं, टेंजेंट लेने हैं। तो आपने बिल्कुल तरीका बट रखा है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो पहले पी को सेंटर मान के आप 90 का एंगल बना दो, और 90 का एंगल कैसे बनाते हैं ये तरीका आप जानते हो पहले से। तो पी को सेंटर माना आपने, और आपने इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल वो बना दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, ए एपीओ है वो आपका एक 90 डिग्री का एंगल हो गया है। अब देखो दूसरा पॉइंट, इसी तरह आपको Q को भी क्या करना है, सेंटर मान के Q पर भी आपको 90 का एंगल बना देना है, चाहे आप इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ। तो जैसे आपने इस पर भी क्या कर दिया, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। तो मान लो ये हो गया आपका 90 का एंगल, 90 एंगल बनाना था आपको जितनी इसमें आराम से मैं सिखा दिया पहले, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो इसके टेंजेंट है वो आराम से खींच सकते हो। इनका नाम लिख दो कोई भी, जैसे इसका नाम क्या हो गया हमारे पास, अभी इसका नाम हो गया हमारे पास सिटी, मान लो ये सिटी नाम हो गया इसका, उसका नाम ये भी है और इसका नाम क्या है सिटी। अब जो इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो देखो कैसे लिखनी है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, टेकिंग ओवर सेंटर ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर सेकंड लिखो आगे, ड्रा एनी डायमीटर पी क्यू, ड्रा एनी डायमीटर पी क्यू ऑफ गिवन सर्किल, ड्रा एनी डायमीटर पी क्यू ऑफ गिवन सर्किल। अगला नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग पी एंड क्यू एज सेंटर ड्रा एंगल ए पी ओ इक्वल ओ क्यू डी इक्वल 90 डिग्री। टेकिंग पी एंड क्यू एज सेंटर ड्रा एंगल ए पी ओ इक्वल ओ क्यू डी इक्वल 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस्ड ए पी एट बी एंड डी क्यू एट सी। तो लिखो प्रोड्यूस्ड ए पी एट बी एंड डी क्यू एट सी। अब लिखो लास्ट स्टेप, सो वी हैव कंस्ट्रक्ट रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल, सो वी हैव कंस्ट्रक्ट रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल। तो ये आपने बी के सुनो इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद देखो जो आपका किस नंबर फाइव है ना, फाइव को देखिए सारे, देखो जो फाइव नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करना, आपको चौड जो होती है ना उस चौड के दोनों एंड होते हैं उन पर आपको कंस्ट्रक्शन है यानी जो टेंजेंट है वो आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो मैं एक बार देखो फिर से आपको 13 की एक्सरसाइज की एक मतलब आपको थ्योरम दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा, वो थ्योरम तो मैं आपको जब 13 के पढ़ाऊंगा तब आपको प्रूव करने सीखूंगा, पहले फिलहाल आप उस थ्योरम को जान लो क्या होती है। कि जैसे मान लो आपके पास सर्किल आई है और इसके मान लो ये कोई भी क्या इसका टेंजेंट आई है, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आपने मान लिया कोई चौड़ खींची इस तरह से ये भी। अब आपको एक थ्योरम ये ध्यान रखनी है कि जो ये चौड़ होती है ये टेंजेंट के साथ जितना एंगल बनाएगी ना उतना ही जो इसका अल्टरनेट सेगमेंट होगा उसके बिल्कुल क्या बनेगा, इक्वल एंगल बनेगा। यानी ये एंगल बिल्कुल क्या आएगा, इस अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बिल्कुल इक्वल आएगा। इसी तरह से जो ये एंगल बनेगा इधर, ये इधर वाले अल्टरनेट सेगमेंट के बिल्कुल क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये थ्योरम आपको थोड़ी सी क्या करनी है, एक बार फिर लाइन में रखनी है, जब मैं आपको 13 की पढ़ाऊंगा
तभी ये थ्योरम आपको प्रूव करने सिखा दूंगा। फिलहाल आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इसी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि ड्राई सर्किल ऑफ रेडियस 3.1 सेंटीमीटर। पहले आपको क्या करना है, एक 3.1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल आप कंपास और स्केल से मेजरमेंट करके 3.1 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लोगे, उसका सेंटर मान लोगे आप यहाँ पर ओ। ठीक है, सर्किल को आपने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। अब आपको इसकी क्या लेनी है, एक चौड़ लेनी है। देखो आपकी बुक में तो 2.3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है लेकिन बहुत छोटी चौड़ बनेगी, तो आप ऐसा करो इसको 4.3 काम लेना। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को 4.3 मान के जो अपनी चौड़ है वो खींचते हैं। तो आप 4.3 का आर्क खोल लो पहले, ठीक है ना, कंपास से, और यहाँ पर आप एनी पॉइंट ए लो और वहाँ से आपको 4.3 का आर्क लगाना है। मान लो यहाँ पर बी पॉइंट आ गया मेरे पास, जब आप 4.3 का आर्क लगाओगे तो बी पॉइंट आ गया, और बी पॉइंट को क्या करोगे आप इसे ऐसे मिला दोगे। तो ये आपने क्या कर लिया है, 4.3 सेंटीमीटर का एक आपने आर्क लगा लिया है। तो ये ए बी क्या आ गया आपके पास, एनी चौड़ आ गई है। अब देखो क्या करना, आपको जो माइनर आर्क है ना ए बी, इस पर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट पी मानना है, और उस पी पॉइंट को आप क्या करेंगे, इस ए और बी दोनों पॉइंटों से बिल्कुल ज्वाइन कर दोगे आप। ठीक है ना, इसको आप ए और बी दोनों पॉइंट से क्या कर दोगे, इसको बिल्कुल ज्वाइन कर दोगे आप। अब देखो आगे, अब जब आपने इस पी पॉइंट को ए और बी दोनों से ज्वाइन कर दिया है, अब क्या करना आपको, देखो आगे यहाँ पी पर सेंटर मानना है और आपको एक कोई भी कितने भी माप का आर्क लगाना है। इस तरह से पी को सेंटर मान के और दोनों चौड़ों से स्टार्ट करके आपको एक आर्क लगाना है कितना भी। अब उतना का उतना ही आर्क आपको क्या करना है, इस बी पॉइंट से भी आपको लगाना है। जितना आर्क आप पी से लगाओगे उतने आर्क आपको कहाँ से लगाना है, इस पॉइंट बी से लगाना है, और उतना ही आर्क आपको कहाँ से लगाना है, इस पॉइंट ए से भी लगाना है। मतलब तीनों के तीनों आर्क बिल्कुल क्या आएंगे आपके, ये सेम लेंथ के आएंगे। तो ये आपको सेम लेंथ के थ्री आर्क लगाने हैं, एक आपको पॉइंट पी से लगाना है, एक पॉइंट बी से लगाना है, और एक आपको पॉइंट ए से लगाना है। अब देखिए इस आर्क का आप करेंगे मेजरमेंट, यानी यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक मेजरमेंट करना है, यानी कंपास की नोक यहाँ टिकानी है, पेंसिल की नोक इतनी खोलनी है, और यहाँ पर आप एक छोटा सा आर्क लगा दोगे, ऐसे लगा दिया इतना आर्क। अब उतना आर्क क्या करेंगे आप, इस पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट होना नहीं है, इस पॉइंट से आपको दरार के लगाना है, और सेम टू सेम ये सिस्टम आपको यहाँ पर भी लगाना है, और आपने ये आर्क लगा दिया है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करना है, इस बी से ज्वाइन करना है और आपको आगे तक बढ़ा देना है। ये सिस्टम आप इधर लगाओगे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे आप, इस ए से ज्वाइन करोगे और आपको आगे तक इसको बढ़ा देना है। तो ये आपने दूसरा आर्क है वो इस तरह से लगा दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल आप सीख लेना इसको अपने नोटबुक में। अब देखो जब दोनों को आप इनको आगे बढ़ाओगे तो मान लो दोनों कहाँ काटेंगे, मान लो कि यहाँ तो मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मान लो सी आ रहा है, ये मान लो डी आ रहा है, ये मान लो ई आ रहा है, तो मान लो ये ई पॉइंट पर काट रहे हैं। तो ये इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन है वो कर सकते हो। तो तरीका समझ में आ गया, एक बार दोबारा देख लो। पहले आपको सर्कल बनाना है, फिर इसका कोई भी आर्क आपको ए बी लेना है, फिर आपको इस माइनर आर्क पर कोई पॉइंट पी मारना है यहाँ पर, उसके बाद में इस पी पॉइंट को इन दोनों से ज्वाइन करना है ए और बी से। अब पी पॉइंट से आप क्या करेंगे, छोटा सा आर्क लगाना है, उतना ही आर्क आपको यहाँ बी से भी लगाना है, उतना ही आपको ए से भी लगाना है। इन तीनों आर्क की लेंथ क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, चाहे आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर या 3 कितना भी लो अपने हिसाब से। ठीक है ना, फिर इस आर्क की लेंथ आप ऐसे मापोगे इतनी, फिर यहाँ से आर्क लगाओगे और यहाँ से आर्क लगाओगे, इन काटने वालों को ए और बी से क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। तो ये आप क्या प्राप्त कर लेंगे, जो इसके रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने अभी क्या सीखा है, जो इनके रिक्वायर्ड जो टेंजेंट है वो आपने ड्रॉ करने सीखे हैं। तो आप लिखो आप आगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एडिंग लगा लो आप, इसका पहला पॉइंट लिखो।
तो देखो फर्स्ट पॉइंट में टेकिंग ओ एस सेंटर ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 3.1 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर दो, टेकिंग ए एस सेंटर ड्रा एनी चौर्ड ए बी इक्वल 4.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, टेक एनी पॉइंट पी ऑन माइनर आर्क एंड जॉइन पी टू ए एंड बी। अगला पॉइंट, टेकिंग पी ए एंड बी एज सेंटर ड्रा एंगल ए पी बी इक्वल सी ए बी इक्वल और डी बी ए। ये तीनों के तीनों एंगल बिल्कुल क्या करने हैं आपको, इक्वल ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो अंतिम, सो अब आपको क्या लिखना है अंतिम पढ़ने, इस पहले वो लिखो आप, एक आप लिखो प्रोड्यूस्ड सी ए एंड डी बी एट पॉइंट ई, प्रोड्यूस्ड सी ए एंड डी बी एट पॉइंट ई। अब लिखो अंतिम पॉइंट, सो सी ई एंड डी ई विल बी रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ गिवन सर्किल। तो आज के लिए बस इतना पढ़ेंगे, छठा प्रश्न मैंने बोल दिया कि बिल्कुल तीन के एक समान ही है, उसके हिसाब से कर लोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।